नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। ज्यादा नमक खाने की वजह से कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। ऐसे में वो खाने में नमक की मात्रा को कम कर देते हैं। वहीं हम ये तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में खासकर व्रत के खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा सिर्फ व्रत के दौरान ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी अगर आप अपने रेगुलर सफेद नमक की जगह खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे तो हाई बीपी के साथ ही कई बीमारियों से जल्द ही छुटकारा पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन सेंधा नमक में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और जिंक समेत 84 से भी ज्यादा मिनरल्स पाए गए हैं। सेंधा नमक में पोटेशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसी कारण ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी मदद करता है। ये आपके ब्लड प्रेशर के बैलेंस को भी बनाए रखता है। गले में खराश हो तो गुनगुने पानी में सफेद की जगह सेंधा नमक डालकर गरारे करें। टॉन्सिल्स की समस्या के साथ साथ आपके गले की खराश भी दूर हो जाएगी। वहीं सेंधा नमक में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का शुद्ध रूप पाया गया है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम और नमक के असंतुलन की वजह से भी मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या होने लगती है। सेंधा नमक इस असंतुलन को ठीक कर मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या को दूर करता है। साथ ही अगर आप किसी तरह के तनाव या स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं तो सूप में चुटकी भर सेंधा नमक डालकर पी लें या फिर गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर नहा लें। दोनों ही तरीकों से शरीर और दिमाग को आराम मिलेगा। अगर आप नींद न आने की समस्या से भी परेशान हैं तो खाने में सेंधा नमक को आज से ही शामिल करें। अनिद्रा की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। साथ ही अस्थमा, डायबिटीज और आर्थराइटिस के मरीजों को भी सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं सिरदर्द और माइग्रेन की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज ही अपने खाने में सफेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना